हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज उपाध्याय ब्लॉग में। तो शुरू करते हैं आज के ब्लॉग का। तो कल हमारा ब्लॉग नहीं आया उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल ब्लॉग नहीं बन पाया था तो इस वजह से तो कल हमारा ब्लॉग नहीं आया। तो शुरू करते हैं ब्लॉग को। तो मैं तो रेडी हो चुका हूँ क्लिनिक के लिए और उठ चुका था वैसे तो, जो भी धारम घूमने जा रहे हैं। तो देखिए नाश्ता हो चुका है, फिर हम जो है अपने लिए और मेरे लिए क्या बोलते हैं ना, अखरोट छील रही है। और देखिए चिज्जी लाया दुकान में साथ जाके, ये कितना बड़े दोस्त को दे दी इतनी बड़ी। और फिर हमके फेवरेट जिनका उसकी फेवरेट नमकीन है उनका चटपटी लाइए जिससे मजा सा आ जावे। देख चटपटी कितनी हो रही है, देख चाची की है विदु की भी है। किसकी? अब वो क्या ले रहा बाद में, एक ऐसी चीज अपनी दोस्त को देखा गए रास्ते में दी। बताओ कैसे मैंने जबरदस्ती दो रोल लगा था, फिर मैंने कहा बिल्ली की थी वो दे दे, जब दी उसने तो मेरा फेवरेट तो देखा है तुम्हें चल रहा है। एक छोटा सा बाबू देख रहा है, फिर हमको कहते हैं मैं तरफ को देखता रहता है। ये क्या बोल रहा है, इधर को जाऊंगी तो इधर को भी देखेगा, इधर को जाऊंगी इधर को भी देखेगा। वो ना पोस्टर इस तरह सा है कि जिधर जाओ ना उधर ही दिखता है आपको। हाँ ये तो बात है, ये देखिए। तो अब नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद चलता है नीचे, फिर आपको लोग देखिए। मैं पहले चलती हूँ। कहाँ जा रहा है? इधर को चल, साइड में को इधर को चल। कहाँ जा रहा? जे वो देखते हैं। चाची आ रही, तेरी चाची कौन आ रहा है? कौन आ रहा? पप्पा चाची रुक, यही रुक जा, मैं गेट खोल दू, गेट खोल दू, सिर्फ लग जाएंगे तेरे। ओ भाई साहब धूप निकल रही है ऊपर तो बढ़िया। पीपी पीपी दिख गई सत्ते ऊपर। तो फिर जो सुबह का नाश्ता ऊपर करेगी धूप में बैठ के। तो वैसे चाची की तरफ को किससे तो कर दे, बिगड़ रहा है चाची को, बिगाड़ रखा नहीं इनको, अच्छा बच्चा बन रहा है ना चाची तो कर नहीं देते फ्लाइंग के पूरे। अच्छा चुप कर दे, चाचू की बुराई ना कर दियो। तो देखे ऊपर बैठ के नाश्ता कर लिया, वहाँ पे तो रुई मिला है, कैमरा चलते हुए रुई आ जाती है यहाँ पर। अभी कोई छत पे बैठना शुरू नहीं हुआ, जब कोरा पड़ना शुरू हो जाएगा ना तो छत पे बैठना शुरू हो जाते हैं लोग, तो दिखते हैं वहाँ छत पर कौन कौन अपने छत पे बैठा है। एक तो दिख रहा है बैठी वहाँ छत पे, एक ये घूम रहा, एक ये रहा है ना। तो नाश्ता करने के बाद मिलते हैं आपसे। तो चाय तो मेरी फिनिश हो चुकी है और अभी फिलहाल ये खा रही है चीजी, टेस्टी है ना बहुत, मुँह में मजा आ रहा है, मैं मुँह भी चल रहा, मजा भी आ रहा। ऐसे देखिए आप देखो, देख क्या कर रहा कबूतर डाला है विधान, क्या कर रहा बाबू? तो देखिए विधान ने एक वो पूरी डंडी थी ना वो ना उस साइड में डाल दी, उधर आंटी जी बोल रही उसे आजा तू तुझे पिटूंगी मैं, डांट पड़ रही विधान को। इतनी लंबी डंडी की छोटी सी डंडी कर दी इसने तोड़ तोड़ के। बाबू आंटी से पूरी बात करते हैं यहाँ पे थोड़ों के, पौने दस हो गए। अब जाओगे आप? मैं नाम लिखा दूँ 11 बजे से। क्या हो गया 11 बजे नाम लिखाओगे? चलिए तो फिर नीचे चलते हैं, ये सिटी बजा रहा है, चुप कर रहा है, सिटी बजा रहा है वैसे। सारा मुँह गंदा हो बड़ा गंदे का। चाची को पटा रहा है। अच्छा चाची तो पहली पटरी बाबू, चाचा ने पटा रखी उसको करने का तरीका।
चलते हम नीचे जाएंगे क्योंकि क्लिनिक आराम से बाबू बताइए कर दूं मैं। तो फ्रेंड्स, ये कल मेरी जो रजाई थी वो मैंने ऊपर धूप में सुखा रखी थी, क्योंकि ना फिर मेहमान आते हैं इसमें स्मेल हो जाती है ना, रखे तो एक साल से ऐसे रखी थी। और ये मैंने कल कपड़े धोए थे, तो ये कपड़े जो है आज इनके फोल्ड करूँगी। हाँ जी, ये वॉशिंग मशीन मैंने यहाँ पर रख रखी है, इसके ऊपर पनीर रख रखी है। हाँ जी, अच्छा चुप, अच्छा बहुत बोल रहा, अच्छा बताओ ना, चुप हो जाओ। इसकी तो पिटाई करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, आज गोपाल जी के है जो नई ड्रेस आ चुकी है, देखिए कितनी क्यूट लग रहे हैं गोपाल जी। और ना कुछ कमेंट बॉक्स में ना मुझे ये बता देना सालीग्राम जी को गर्म कपड़े कैसे पहनाएं, किस टाइप के इनके कपड़े आते हैं नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो मैं इनके मंगवा लूँगी, अगर नहीं आते हैं तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा सालीग्राम जी को पहनाने के लिए। क्या बब्बा? अच्छा बब्बा जी बैठे, आज अंदर आपका चार्जर नीचे था शायद, चल दिए क्या आप? हाँ 10 बज गए। फ्रेंड्स, ये तो इतना ही वो लोग बनवा पाते हैं मेरे साथ में। बदर पे जाना होता है और फिर टाइम सो के भी तो लेट उठते हैं ना, 8:30 बजे सो के उठते हैं, उसके बाद हम व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। मैं ना बोलती हूँ कि सुबह से शाम तक का दिखाना होता है व्लॉगिंग में, पर क्या करें हमें टाइम ही नहीं मिल पाता कुछ, मेरी तबीयत नहीं लगती। शूट करके क्लिनिक का सेंड कर दे करूँगा, ठीक है? कुछ ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से सुबह व्लॉग नहीं बन पाता, तो हमारे व्लॉग एक दिन छोड़ के आया करेंगे। अब तो रोज भी आ सकता है लेकिन एक दिन छोड़ के, तो आप वो समझना कि व्लॉग नहीं आ रहे, जब तबियत खराब रहती है सब लोग नहीं बन पाता हमारा। आज तो मैं डॉक्टर के भी जाऊंगी अपनी तबियत दिखाने के, क्या हूँ कैसे हूँ क्या और क्या नहीं हो रहा है, इसलिए तो रास्ते का व्लॉग दिखाएंगे कहाँ जाएंगे कहाँ पर नहीं। तो मैं तो मिलता हूँ आपको कल के व्लॉग में, तो आगे व्लॉग पे बनाएंगे आपके साथ। जब डॉक्टर के लेके जाओगे तब नहीं मिलोगे, दोपहर में मिलेंगे जब डॉक्टर के लेके जाएंगे। तो ठीक है, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, मैं तो जा चुके हैं क्लिनिक पर और अब मैं जो है अपना काम करूंगी, और आज तो मुझे बहुत सारा काम करना है। ये कपड़े मैं लेके आ गई हूँ, इन्हें फोल्ड करके, कल धोए थे मैंने, वॉश किए थे, और इन्हें फोल्ड करूंगी। और जो कपड़े जो प्रेस के हो गए इन पर प्रेस करूंगी, बहुत सारे कपड़े प्रेस के भी हो रहे हैं। और जो रजाई मैंने आपको दिखाई थी वो मुझे बेड के अंदर रखनी है और डस्टिंग वगैरह करनी है। उससे पहले तो अपना जो है फेवरेट सीरियल चला के छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं दोनों काम भी करती रहूँगी और सीरियल भी देखती रहूँगी। आज तो विधान है ना, उनका इतना फजीता किया ना बहुत ज़्यादा, मोटरसाइकिल में ना 2 बार चक्कर लगवाए उसने इस वजह से। सीट दोबारा बिछा दी है और रजाई जो अंदर रख दी है, अब मुझे अपने कपड़े जो है इन्हें फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स अब मैं इन कपड़ों की जो है तह करूँ ना फोल्ड करके अलमारी में लगाऊंगी। और बेचारा जो मेरा टैडी है ना ऐसे ही रखा रहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता इसे कहाँ बैठाऊँ, बेड पे ऐसे बैठा नहीं सकती क्योंकि फिर हमारी लेटने की जगह नहीं बचती, इस वजह से सोच इसे कहाँ बैठाऊँ, ऊपर रखती हूँ फिर धोने के लिए प्रॉब्लम होती है उतारने में, इस वजह से अब सोच रही क्या करूँ।
चलिए तो मैं इन कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे।